हेमंत सरकार की लूट और छूट की पोथी का जनता के बीच जाकर करेंगे पर्दाफाश, कहा सुदेश कुमार महतो ने। जमशेदपुर में केंद्रीय समिति की बैठक में सरकार पर साधा निशाना, आंदोलन की रूपरेखा की तय। पूरे राज्य में जन पंचायत लगाएगी आजसू। 13 अप्रैल को सभी जिलों में आक्रोश मार्च, 5 अप्रैल को रघुनाथ महतो सहित समारोह मनाया जाएगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झूठ की पोथी पेश कर जनादेश हासिल करने वाली हेमंत सोरेन सरकार में लूट किस कदर हावी है, इसका पर्दाफाश जनता के बीच में जाकर करेंगे। सरकार की नीति निर्णय और मंशा का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। आजसू पार्टी ने कार्यक्रमों की व्यापक रूपरेखा तय की है। इसी सिलसिले में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में जन पंचायत लगाई जाएगी। सोमवार को जमशेदपुर में पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार ने 3 साल में जनादेश के साथ बड़ा छल किया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति के नाम पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश में सब कुछ उलझा कर रख दिया। विशेष सत्र बुलाकर किसी भी दल का विचार नहीं सुना गया। विकास के तमाम मानकों पर झारखंड लगातार पिछड़ रहा है। सरकारी संरक्षण में लूट का बोलबाला है। अराजकता का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। शासन प्रशासन का वातावरण इतना बिगड़ चुका है कि इन 20 महीने में राज्य का भारी नुकसान ही होगा। इसलिए राज्य हित में पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करें। सोना न्यूज जमशेदपुर से विनोद बनर्जी की। सभी प्रेस मीडिया के मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज लंबे अरसे के बाद केंद्रीय समिति की इस बैठक के माध्यम से आप सभी से सीधा संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है। पार्टी की आज केंद्रीय समिति की बैठक है और नियमित रूप से वर्ष के अंदर 3 केंद्रीय कमेटी की बैठक होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से बीच के काल में पार्टी के निर्णयों को इस कमेटी के माध्यम से पास करना पड़ता है, जो एक दलीय व्यवस्था है, जिसके ऊपर हम आज उसी के कई बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहला कि राज्य के अंदर आज पूरी मीटिंग में ज्वलंत विषय जो है उन संदर्भ में चर्चाएं होंगी, हो रही है, और हम सभी लोगों ने उस पर चर्चा करके राज्यव्यापी कार्यक्रम तय किया है। साथ ही पार्टी का पिछला जो निर्वाण वर्ष था, निर्वाण वर्ष में पार्टी ने पूरे राज्य भर में पार्टी के सभी पंचायत तक के सभी 12 सहयोगी इकाई का गठन करना निश्चित किया था। सभी सहयोगी इकाई के प्रमुख आज अपना डाटा पेश कर रहे हैं। जो काम पूरा हो चुका और कुछ काम अधूरा है, तो जो पूरा हो चुका उसे सूचीबद्ध किया जा रहा है, जो काम शेष है संगठन के आधारभूत संरचना का, तो उसे पूरा करने का एक निर्धारित समय निश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ पार्टी राज्य के अंदर आने वाले समय में जिन मुद्दों को लेकर, जो पार्टी का मूल मुद्दा रहा है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है, उसके कार्यक्रम बृहद रूप से आज तैयार कर लिए गए हैं। मैं प्रमुख रूप से पार्टी के अंदर में अलग अलग दायित्व विधानसभावार लोकसभावार देने का भी निश्चय किया है। इस राज्य के जिन ज्वलंत विषय पर आज चर्चा हुई, उसमें प्रमुख रूप से इस राज्य और राज्य के झूठ के बुनियाद पर खड़ी राज्य सरकार, जिन्होंने पिछले चुनाव में लोगों को मिथ्या पोथी के द्वारा, झूठ की पोथी के द्वारा भ्रमित करके जनादेश लेने का काम किया, अब सभी लोग देख रहे हैं कि राज्य में जो आक्रोश बना है और जो माहौल तब 19 में बनाया गया था, इस राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण जैसे विषयों को और साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं को घोषणा करके 19 का जनादेश लिया। जनादेश पाने के बाद लगातार 3 साल या उससे ज्यादा समय निकल गया। अब गवर्नमेंट के पास अपने कार्यकाल पूरा करने के कुछ महीने बचे हुए,
लगभग 20 महीना का समय शेष है। सरकार ने इन विषयों को लेकर 3 साल कोई रुचि ना दिखाई और अंत में आनन फानन में इन विषयों को लेकर प्रस्ताव लेके आते हैं, विधानसभा में लेके आते हैं, लेकिन विधानसभा में स्पेशल सेशन होता है लेकिन दलीय राय नहीं लिया जाता है। ये पहली बार ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं पर हुआ होगा कि स्पेशल अगर हम सेशन बुला रहे हैं, स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है, तो सत्र बुलाने का मकसद ही होता है कि सत्र में उस विधानसभा के अंदर जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं या दलीय रूप से जो नेता हैं वो अपनी राय रखेंगे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि आया और सीधे प्रस्ताव पढ़ा गया और प्रस्ताव को आगे प्रेषित कर दिया गया। मैंने उसी दिन खंडन करते हुए कहा था कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये किसी राज्य के स्थानीय नियोजन नीति या आरक्षण को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं बल्कि एक एजेंडा है, जिस एजेंडा के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और उनके सहयोगी एलाई खेलना चाहते हैं, लोगों की भावना से खेल रहे हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं कि एक राजनेता जिन्हें राज्य के चलाने का दायित्व तो किसी भी प्रकार मिले, उनको अपने लोगों का, अपने राज्य का चिंता होना चाहिए। और जिस ऐसा पहली बार ऐसा दिखा जिसको राज्य और अपने लोगों की चिंता नहीं, यहाँ के नौजवान 3 साल से लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये उम्मीद के साथ कि राज्य के शेष जो पद हैं अपनी अहर्ता के अनुसार स्थानीय नियोजन नीति के नई नीतियों के साथ वो कहीं ना कहीं अपनी सेवा राज्य के लिए देंगे। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो पा रहा है, वातावरण को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से लगातार हो रही है। डेवलपमेंट का कोई भी मानक, ये तो नीतिगत मुद्दे हुए, नीतिगत मुद्दों के अलावे भी डेवलपमेंट के किसी मानक पर राज्य सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। राज्य के निचले इकाई तक को अधिकार देना, पंच पंचायत जिसकी व्यवस्था को हम सभी लोगों ने लागू किया, आज पंचायत प्रतिनिधि के हालत को देख लीजिए, पंचायत, पंच, ग्राम सभा, इन सारे जो संस्थाएं हैं इसको कमजोर किया जा रहा है, जबकि यह दायित्व तो राज्य सरकार का था कि इन्हें मजबूत किया जाए, नेतृत्व को कमजोर किया जा रहा है। और ये कोशिश हो रही है कि राज्य के संसाधनों को किस रूप से, मैंने कहा था कि लूट और झूठ इस सरकार ने परंपरा बना दिया। लूट आप देख रहे हैं रिसोर्स का, किस रूप से इस राज्य के अंदर जो रिसोर्स हमारे उसको किस रूप से दोहन, सरकारी संरक्षण में दोहन हो रहा है, सरकारी संरक्षण में दोहन हो रही, पहली बार पार्टी चली है, राज्य के सारे पद में बैठे व्यक्ति एक भी कार्यालय, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से, मैंने यही कहा था कि एक भी कार्यालय, एक भी सरकारी पदाधिकारी ऐसा बोल दीजिए कहीं पर जो बिना चढ़ावे के कोई काम जनता की सेवा कहीं पर कर रहा है। तो पूरी अराजकता की स्थिति है राज्य के अंदर में, ये का नेतृत्व, सभी अराजकता की स्थिति का नेतृत्व सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम लोगों ने इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक तैयारी करके राज्य भर में जन पंचायत के माध्यम से 81 विधानसभा में जन पंचायत करने का निर्णय लिया। राज्य के और सरकार के जितने वायदे हैं उस वायदों को जनता के बीच में याद दिलाने के लिए कि जिस मकसद के साथ ये सरकार का गठन हुआ या जिन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ लाकर भ्रमित करके झूठ के नींव पर यह सरकार जो बनी है उसको फिर से लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए एक आंदोलन के स्वरूप में राज्य के 5 प्रमंडल के पंचायतों में हम डिजिटली वार करते हुए हम लोग जाएंगे और हर पंचायत में सभा और उनके वायदों को रिपीट रिपीट करके उनके बीच में दिखाने का काम करेंगे ताकि सरकार का पर्दाफाश हम लोग कर सके। सर चूंकि बातें नीचे तक पहुंच नहीं पाती है तो कभी कभी अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूं तो मीडिया को गाली देने की परंपरा उनकी बनी हुई है, बावजूद इसके कि इनके माध्यम से जितनी बातें जा सकती है उस जगह तक, जहां तक उससे आगे भी कैसे बात पहुंचे, पंचायत में कैसे पहुंचे, ग्राम सभा तक बात कैसे जाए, उस सारे चीजों का एक कार्यक्रम, एक स्वरूप तैयार करके हम लोग वहां तक पहुंचने काम करेंगे ताकि इस सरकार को, इस प्रदेश से विदाई की तैयारी हम लोग करेंगे। हम सभी लोगों ने पार्टी के अंदर में भी कई गुणात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। आज के दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है, हमारा कोशिश है कि उसे और मजबूत हम लोग करें। साथ ही साथ इस राज्य के अंदर में हम लोग ने एक पहली बार डाटा और रिसर्च के लिए एक पार्टी ने इकाई गठन किया है कि पार्टी के अंदर में इस राज्य के जो पॉलिटिकल गतिविधि है,
यहाँ के जनजातीय व्यवस्था की जो गतिविधि है, ये रोज दिन पार्टी के अंदर में भी और दलीय रूप से झारखंड के अंदर में एक रिसर्च टीम पार्टी के अंदर से रहेगा, जो पार्टी को फीडबैक राज्य के अंदर के फीडबैक्स तैयार करेंगे रिसर्च के माध्यम से, और उस आधारित रणनीति बनाने की तैयारी हम लोग सब करेंगे। ये एक अलग सा एक अपना एक काम होगा और उसके लिए हमने आज घोषणा भी करेंगे, उसके एक स्पेशलिस्ट जिनका इस बात में अनुभव है वो इसका नेतृत्व करेंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ साथ पार्टी राज्य के अंदर में जनजातीय जनगणना के लिए, चूंकि आज देख रहे हैं जो रिजर्व डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में पिछड़ों के लिए जगह नहीं, हमने लगातार कहा कि राज्य के अंदर जातीय जनगणना कराइए, चूंकि कई समुदाय कई जातियों को अगर उसके आहर्ता उसकी संख्या का मूल आकलन अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें न्याय देने में दिक्कत होगी। तो इसलिए इस राज्य का सबसे बेहतर यही होगा कि राज्य के अंदर जातीय जनगणना हो जाए, ताकि सभी को सभी समाज को न्याय मिल सके। और इसी संदर्भ में दूसरे राज्यों ने काम शुरू किया, हाउस में जाकर मुख्यमंत्री इसमें भी गलत बयानबाजी करते हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने रिजर्वेशन को लेकर एसटी एससी ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की, वो एक प्रस्ताव सीधे कैबिनेट से लाते हैं और भेज देते हैं। ऐसा होता नहीं मुख्यमंत्री जी, ऐसा आपको कोई भी प्रस्ताव अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए अगर कोई भी आप आरक्षण देना चाहते हैं तो आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर ट्रिपल टेस्ट करा के अगर उन्हें यह लगता है कि राज्य के ट्राइबल के लिए, राज्य के कास्ट के लिए, राज्य के ओबीसी के लिए आरक्षण देना जरूरी है, तो उसके माध्यम से उनका अध्ययन करते हुए कोई सरकारी कमेटी के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट कराते हुए आप उसमें आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके बिना तर्क दिए सीधे केवल मैं इसको इतना बढ़ा देता हूं, इसको इतना बढ़ा देता हूं, ये मुख्यमंत्री जी दायित्व का है और संविधान से चलती है चीजें, और आपको संविधान के मानकों को निर्धारित करते हुए उनको फॉलो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को जो इसके संदर्भ में राज्यों को प्राप्त है उनको देखना पड़ेगा। कर्नाटक ने किया, कर्नाटक ने ट्रिपल टेस्ट कराया, मध्य प्रदेश कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है, बिहार जातीय जनगणना कर रहा है, आपको उसी रूप से इस प्रदेश में आना पड़ेगा, तब जाके जो अभी स्थिति पैदा हुई है जैसे डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में भी है, जिला आरक्षण में भी है, ये सभी चीजों को आप तब जाके ठीक कर सकते हैं। और सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीति ठीक नहीं है, इसी के खिलाफ में जनाक्रोश कार्यक्रम हम सभी लोग जिलावार 13 तारीख को नियोजन को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर जिलावार आक्रोश मार्च जिला मुख्यालय में करने का 13 तारीख को पार्टी ने निर्णय लिया है। पार्टी ने यह भी निर्णय लिया है कि इस राज्य के अंदर में 5 तारीख को शहीद रघुनाथ मातो शहादत दिवस मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी बाबा साहब अंबेडकर जयंती के पर विधानसभा स्तरीय जयंती मनाने का निर्णय लिया। पार्टी ने राजस्तरीय सामाजिक न्याय मार्च 23 तारीख को रांची में करने का निर्णय लिया है। 27 को राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजातीय महासभा और महासम्मेलन हम लोग भोगनाडी में करने का निर्णय लिया है, साहिबगंज के भोगनाडी में। हमारे राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति का राज्य सम्मेलन चतरा इटखोरी में करने का निर्णय लिया है। और पार्टी का महाधिवेशन जो हमारा होना था रामगढ़ चुनाव के कारण नहीं हो पाया, ये केंद्रीय महाधिवेशन 6-7-8 अक्टूबर रांची में होगा, ये निर्णय आज के दिन में हम लोग सभी लोगों ने लिया है, पार्टी का ही निर्णय।